वेलकम टू माय न्यू वीडियो पहाड़ी एजेंट बाबा। और एक और सुबह यहाँ पर जियालगढ़ की इन हसीन वादियों से नमस्ते। आज हम जा रहे हैं नदी की ओर, जिसको टिहरी के लोग गंगाल भी कहते हैं, गंगाल। और अब हम जाएंगे नीचे, हमारी अलकनंदा नदी है और इधर की साइड राफ्टिंग कैंप है। ट्राई करेंगे अगर जा सकेंगे तो ठीक है, वरना मुश्किल है। तो दोस्तों चलते हैं नदी की ओर और वहाँ पे लेंगे एक दो वीडियोस और आप उसके मज़े लीजिए नदी के, अलकनंदा के। यहाँ पर से अलग ही मज़ा है नदी का। बचपन में आते थे हम यहाँ नहाने के लिए कभी कभी। बाय बाय और चलेंगे ऊपर के साइड। दोस्तों अब दिखाएंगे हम आपको राफ्टिंग कैंप जिसे कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कैंप बनाए गए हैं और स्विमिंग पूल भी हैं, तो एक में पानी है शायद, एक में नहीं है। तो आपको सीधे राफ्टिंग कैंप दिखाते हैं कि किस तरह वहाँ सजावट, लोगों ने कितनी अच्छी सजावट की है, क्या क्या बनवाया है वहाँ पर। काफ़ी अच्छा बनाया है, दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम राफ्टिंग कैंप और ये हमारे पीछे है स्विमिंग पूल और इधर एक और है, पर उसमें पानी नहीं है, सूखा सूखा है वो, देखिए सूखा पड़ा हुआ है। उस वाले में पानी है, काफ़ी मज़ा आता था लेकिन लॉकडाउन के ज़रिए बंद कर दिया ये, इसमें नहा नहीं सकते अब। सही है, सरकार ने भी सही किया। और ये हमारे पीछे कैंप है और इधर की साइड कैंप भी बने हुए हैं। दिखाते हैं आपको, काफ़ी सुंदर फूल यहाँ पर, पीले, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद, काफ़ी रंगों के फूल। और ये पीछे हमारे तंबू कहते हैं, काफी अच्छा तंबू यहाँ पर हमारे पीछे। और काफी सुंदर यहाँ पर जो भी डेकोरेशन की गई है काफी अच्छी लग रही है, काफी मेहनत की है यहाँ। अब निकल चुके हैं हम घर के लिए, काफ़ी पसीना निकल चुका है, थकान लग चुकी है, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और जो अलकनंदा का अलग ही स्वरूप देखने को मिला आज, क्या बात, लहरें ऐसे आ रही थी जैसे समुद्रों में नहीं आती, ऐसे 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 वही वाला सीन था, और छोटी थी पर आ रही थी, मज़ा आई है। लेकिन हाँ, तो मैं स्विमिंग पूल भी दिखा दिया मेरे मामा के गाँव का कैंप। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ समय बाद, कुछ नया करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। और हम जा रहे हैं अभी पानी को घर, मतलब जो पानी है ऊपर मेन वॉल, जो मतलब मेन नल होता है गाँव के लिए, जो पानी निकलता है जहाँ से, वहाँ से खोलना बंद करना पड़ता है, क्योंकि कभी कई बार जो गाँव में टंकी होती है तो ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसे पानी गिरने लग जाता है, तो ऊपर से बंद कर देते हैं। तो उसको खोलने जा रहे हैं क्योंकि टंकी पूरी खाली हो चुकी है। और हमारे साथ है चुन्नू, जो कि आगे आगे चल रहे हैं। हाय गाइस। और चुन्नू है हमारे मामा के लड़के, चुन्नू मुन्नू जुड़वा भाई हैं। मुन्नू से भी मिलवाऊंगा अगर तुम कहो तो।
फिलहाल चलेंगे हम आगे की ओर और आपको दिखाएंगे यहाँ का नहर वाला रास्ता। पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर जियालगढ़ की मेन टंकी पर। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे चुन्नू और देखेंगे पानी कितना है। कितना जो चुन्नू पानी पानी तो बहुत हो गया। यहाँ लगता है आप यहाँ का गेट वॉल खोलना ही पड़ेगा ताकि गांव में पानी आ सके। तो दोस्तों खुल नहीं पा रहा हमसे यहाँ पर गेट वॉल क्योंकि बहुत टाइट हो चुका है, पूरा जम चुका है वो, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे खोला और बंद नहीं किया। तो हम यहाँ पर हार मानेंगे और कोई और आएगा इसे खोलने के लिए। हम चलेंगे अभी घर, नहाएंगे फिर ऊपर, फिर मल्लागौड़, फिर उसके बाद मिलते हैं तुम्हें, कहीं चलेंगे या फिर कुछ और करेंगे। यहाँ तो बहुत चीज़ें हैं यार घूमने के लिए, एक एक करके ले जाएंगे तुम्हें अगर घर नहीं जाएंगे तो। ठीक है दोस्तों मिलते फिर। और एक बार फिर यहाँ पानी के लिए इस बार पूरी टीम हमारी चुन्नू मुन्नू और सोमू के साथ। और पहले यहाँ से गुजरेंगे हम भूतिया हवेली से। यहाँ पर काफ़ी डरावनी हवेली, काफ़ी सालों पुरानी यहाँ पर ये हवेली, काफ़ी खतरनाक हवेली यहाँ पर, काफ़ी दयनीय स्थिति पर। इसके अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं है चुन्नू मुन्नू के अलावा और सोमू के अलावा जो कि मेरे पीछे चल रहे हैं डर के मारे। जंगली जानवरों का डर यहाँ पर तीनों के लिए। और अब सीधे निकलेंगे यहाँ से गदेरे की ओर और ये हमारे गैंग के अधिकारी मुन्नू सबसे आगे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे मल्लागौड़े की भी ऊंचाई पर, फिर से मिला। गदेरे का प्लान हुआ कैंसिल और मूड हुआ खराब, तीन के तीन बिल्कुल निराश यहाँ पर चुन्नू मुन्नू सोमू काफी निराश और मेरा भी मूड खराब क्योंकि पूरा प्लान था गदेरा जाने का और वहाँ ना के आते, लेकिन सौरभ भैया ने मूड पूरा खराब कर दिया। सौरभ भैया ने कहा कि इस धूप में कहाँ जाओगे, मतलब ये गांव में कहाँ जाना रे तुम फुकेण जो तुम उनसे गांव में कुछ इन बोली पूरा मूड खराब हैगी। अब जाला सीधा मल्लागौड़ खाणो खूणो खाला, अगर दिन माला सौरभ भैया जी का साथ तो अलग बात से निथर देखदा क्या हूँ तू आंदा कि नहीं आंदा। ठीक तुम तो मिला अब दिन में या फिर शाम को मिला, लाइक शाम को मैं घर भी जा सकता या फिर बोल डालू पर जान ही जान। ठीक है दोस्तों तो शाम के बज चुके हैं 7:19 या 20 बजने वाली है, छोड़ो जो भी बजती है। तो हम निकले हैं रोड पर घूमने के लिए कुत्ते के साथ, कालू के साथ, ये कालू हमारा और मेरे साथ है चुन्नू मुन्नू। आज हमने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, स्विमिंग पूल दिखाया, राफ्टिंग कैंप वगैरह बहुत चीज़ें दिखाई। गदेरे में जाने नहाने का प्लान था लेकिन वो भी कैंसिल हुआ सौरभ भैया की वजह से। काफ़ी अच्छा हवा यहाँ पर चल रही है, बाल भी उड़ने लगे और चुन्नू मुन्नू दोनों भाई जो जुड़े हैं ये देखिए मेन रोड पे, इसलिए मास्क पहन के चल रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पर, कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय शंकर महाराज।